हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पैडागॉजी स्टेशन, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर पैडागॉजी प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अवर 10th क्लास जिसमें कि हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले के दो क्लासेस में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, प्लस जो इससे पहले वाली क्लास थी क्लास नंबर 9, उसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे और उसी क्लास में हमने देखे थे डिफरेंट एरियाज जहाँ पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं किसी भी ह्यूमन बींग के रिलेशन में। तो उसी में से एक एरिया है फिजिकल डेवलपमेंट का, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम श्रुति, यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद चैप्टर नंबर 8, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। उससे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट एरियाज एक बार फिर से जिनमें कि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत अलग अलग चीज़ों में डेवलप करता है। कहीं उसकी लैंग्वेज डेवलप करती है, कहीं उसका माइंड डेवलप करता है, कहीं वो फिजिकली डेवलप करता है। तो ये अलग अलग एरियाज हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के। तो इधर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से वो अलग अलग एरियाज हैं जिसमें कि एक ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है। फर्स्ट देख लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड है सोशल डेवलपमेंट, थर्ड है मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कुछ बेसिक से एरियाज़ हैं जिनमें कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो डील करता है और डेवलप करता है। इनके बारे में इन ब्रीफ हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के साथ। ओके, सो फिजिकल डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ब्रिंग्स बॉडीली एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो हमारी ह्यूमन बीइंग्स के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, पेंक्रियाज है, ब्रेन है, ये हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हो गए। और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स लाइक आर लेग्स, फीट, हैंड्स, हेयर, हेड, ये सब हमारे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स हो गए। तो इन दोनों ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, द एक्सटर्नल चेंजेस इंक्लूड्स चेंजेस इन हाइट, वेट एंड जनरल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि जो हमारे एक्सटर्नल चेंजेस हैं उनमें हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारी जो जनरल अपीयरेंस है यानी कि हम कैसे दिखते हैं वो भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो ये हमारे एक्सटर्नल चेंजेस में आ गए, जिसमें कि हम अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स या लेग्स के चेंजेस, या वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनका साइज भी बढ़ रहा है, ये हमारे एक्सटर्नल चेंजेस में भी आ गए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द इंटरनल चेंजेस इंक्लूड्स चेंजेस इन फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर सिस्टम्स ऑफ बॉडी लाइक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा। जो इंटरनल बॉडी चेंजेस होते हैं हमारे अंदर वो होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं, जो हमारे अंदर की तंत्रियां हैं उनमें जब कोई चेंज आता है, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें कि हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है वो चलती है। तो इस तरह के जो इंटरनली बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो हम इंटरनल चेंजेस में काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इन टोटल 5 पिक्चर्स हैं जिनमें कि हम देख रहे हैं कि एक इन्फेंट से लेकर ओल्ड एज तक कैसे हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो चेंज होती है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत छोटा किस तरह से होता है ये आपको दिखाया गया है, फिर उसके बाद वो बच्चा चाइल्डहुड अपनी स्टेज में पहुँचता है, उसके बाद वो एडोलेसेंस स्टेज में पहुँचता है, उसके बाद अडल्टहुड में, और उसके बाद ओल्ड एज में वो पहुँचता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी डेवलपमेंट की जिसमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस किस तरह से चेंज होती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं पैटर्न ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि जो ह्यूमन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसकी क्या पैटर्न होता है, कि वो छोटे होते से लेकर के, एक बेबी होने से लेकर के, और जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है तो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, अलग अलग पैटर्न होता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो हम एक बार इस स्लाइड में देख लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट कहता है एट बर्थ अ बेबी इज अबाउट 45 टू 47 सेंटीमीटर इन हाइट एंड वेज अराउंड 3 to 4 केजीज कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे वो लगभग 45 टू 47 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट होती है और वो लगभग 3 से 4 किलो उसका वेट होता है. सेकेंड पॉइंट फर्स्ट 2 ईयर्स फ्रॉम बर्थ शोज अ रैपिड ग्रोथ एंड फ्रॉम 3rd year ऑनवर्ड्स एंड टिल प्यूबर्टी देयर इज स्लो ग्रोथ कि जो बिल्कुल उसके स्टार्टिंग के बर्थ से लेकर के और उसके 2 साल की उम्र का जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो बहुत जल्दी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन वो 3rd साल से लेकर के और जब तक उसकी एडोलेसेंस की एज नहीं स्टार्ट हो जाती तब तक, यानी कि लगभग हमारा जो चाइल्डहुड का पीरियड हो गया उस पीरियड में उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो स्लो हो जाती है. उसके बाद जब प्यूबर्टी आ जाती है और वो एडोलेसेंस एज में एंटर कर जाता है तब फिर से उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाती है. उसके बाद जब वो एडल्टहुड में आता है तो फिर से उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट है वो घट जाता है. तो ये एक पैटर्न है जो कि एक कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. बाय द एज ऑफ 5 द हाइट ऑफ अ चाइल्ड बिकम्स डबल एंड ही वेज ऑलमोस्ट 5 times ऑफ हिज बर्थ वेट कि जब वो 5 साल की उम्र का कोई बच्चा होता है तो उसका जब वो पैदा होता है उस उम्र की जब उसकी हाइट होती है 5 साल की उम्र में उसकी हाइट डबल हो जाती है. किसकी डबल हो जाती है? जब वो बेबी पैदा हुआ था उस टाइम जो उसकी हाइट थी वो हाइट अब उसकी लगभग डबल हो जाती है जब वो 5 साल की उम्र में पहुंचता है. और उसका जो वेट होता है वो भी जिस टाइम पे वो बेबी पैदा हुआ था उसके पैदा होने के टाइम पे जो वेट था उसका लगभग 5 गुना वेट उसका उसकी 5 साल की उम्र में हो जाता है. ओके, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं. आफ्टर प्यूबर्टी There is again a rapid growth in both height and weight. और जब puberty आती है तो उस time पर भी उसकी जो height and growth में जो increase है या growth का जो rate है वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी अर्लियर देन बॉयज़ कि जो गर्ल्स हैं उनमें प्यूबर्टी जो है वो बॉयज़ से पहले आ जाती है. स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है. इसको ट्रू या फॉल्स में डाल देते हैं या किसी भी वे में इस क्वेश्चन को बना देते हैं कि गर्ल्स में प्यूबर्टी पहले आती है या बॉयज़ में, इस टाइप से भी पूछ लेते हैं. सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमेशा गर्ल्स में प्यूबर्टी जो है वो पहले आती है बॉयज़ के कंपैरिजन में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. जनरली बोथ मेन एंड वुमेन रीच देयर मैक्सिमम हाइट एंड वेट अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस कि जनरली देखा गया है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट या वेट अटेन कर लेते हैं, अपने मैक्सिमम हाइट या वेट जो है वो लोग उसमें पहुंच जाते हैं जब वो एडोलेसेंस की उनकी एज ख़त्म होने पे आती है. कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जब एडोलेसेंस की एज ख़त्म होने पे आती है उस टाइम तक वो लोग अपनी जितनी भी हाइट या वेट उनको करना होता है वो लगभग अपनी एडोलेसेंस की एंड एज तक अपना हाइट एंड वेट मैक्सिमम गेन कर लेते हैं. ओके, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं स्लाइड का. वेट ऑफ द ब्रेन इंक्रीजेज रैपिडली इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ कि जो हमारे शुरुआती साल होते हैं ज़िंदगी के उसमें जो है वेट जो है ब्रेन का वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड बाय द टाइम द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 4 हिज और हर ब्रेन अटेन्स 80% ऑफ इट्स फाइनल वेट और जब वो 4 साल का हो जाता है कोई भी बच्चा तो उसका जो फाइनल वेट होता है ब्रेन का उसका 80% तक वेट उसका 4 साल की उम्र में हो जाता है और उसके अलावा जो 10% है एंड अनदर 10% इज एडेड बाय द टाइम ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 8 years और जब वो 8 साल का होता है तो वो जो 80% ब्रेन उसका डेवलप हो चुका है 4 साल की उम्र में उसके अलावा जो 20% बाकी रह गया था उसमें से 10% जो है वो 8 साल की उम्र तक जब वो आता है तो वो 10% भी डेवलप हो जाता है. एंड बाय द एज ऑफ 20 years हिज और हर ब्रेन इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड और जब एक बच्चा 20 साल की उम्र में आ जाता है तो उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से 100% डेवलप हो जाता है. यानी कि 4 साल की उम्र में उसका दिमाग जो है वो 80% डेवलप हो जाता है, 8 साल की उम्र में वो 90% तक डेवलप हो जाता है और 20 साल की उम्र में वो पूरा 100% डेवलप हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं.
द हेड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/4 द हाइट ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ. कि जब एक बेबी जन्म लेता है, जब एक बेबी का बर्थ होता है, उस टाइम पे एक जो बेबी का हेड होता है वो उसकी टोटल हाइट के 1/4 या 1/4 होता है. एक बेबी की टोटल हाइट का 1/4 होता है उसका सिर जब वो पैदा होता है. कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे एक बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे उसकी सर की लेंथ अगर हम नापें तो वो उसकी टोटल हाइट के 1/4 के बराबर होती है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर द प्रोपोर्शन ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू बॉडी डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स 1/8 ऑफ द बॉडी बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंस. और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उम्र के साथ साथ उसका जो सिर है उसकी और सिर की और उसकी बॉडी की प्रोपोर्शन जो है वो घटती चली जाती है. और जब वो अपनी एडोलेसेंस की एज को ख़त्म करने पे आ जाता है उस टाइम पे उसके सर की जो लेंथ होती है वो उसकी टोटल हाइट के 1/8 हो जाती है. जैसा कि हम यहाँ पर नीचे दो फोटोज़ दिखाई गई है इनमें भी हम लोग बहुत ईजीली देख सकते हैं कि जो एक बेबी की फ़ोटो है इसमें इसका जो सर वाला हिस्सा है वो लगभग इसकी पूरी हाइट के 1/4 के इक्वल दिख रहा है अभी हमें. और साथ में ही एक एडोलेसेंस एज में आए हुए एक लड़के की फ़ोटो है जिसमें कि हम बहुत ईजीली देख सकते हैं कि इसके जो सर की इसके जो फेस है या जो हेड वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट इसका हेड लगभग इसकी टोटल हाइट के 1/8 के इक्वल नज़र आ रहा है हमें. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इन पर काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. द चाइल्ड्स बोन्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ मिनरल मैटर. कि जो बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और जो मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा कम पाई जाती है. दे आर सॉफ्टर एंड ब्लड फ्लो लेवल इज़ हाई इन देम दैन इन एन एडल्ट्स बोन. और जो एक बच्चे की हड्डियाँ होती हैं वो इसीलिए ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम उसकी कंपैरिजन किसी अडल्ट से या किसी बड़े आदमी से करें तो एक बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और उनकी हड्डियों में ब्लड भी ज़्यादा फ्लो करता है किसी अडल्ट की कंपैरिजन में. इसीलिए ही बोलते हैं कि जो एक बिल्कुल छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी हड्डियों को या उसके हाथ को जिस पोजीशन में भी आप लोग रखोगे वो वैसी ही शेप ले लेते हैं. इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनको आप जैसे रखोगे वो वैसे के वैसे ही शेप ले लेती हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. दैट इज़ वाई द बोन्स ऑफ अ चाइल्ड आर मोर रिलायबल बट द चांसेस ऑफ द डिफॉर्मिटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई. इसीलिए कहा जाता है कि जो एक बच्चे की हड्डियाँ हैं वो मोर रिलायबल हैं. रिलायबल क्यों हैं? क्योंकि उनको आप जैसे रखोगे वो वैसे ही ढल जाती हैं. लेकिन इसके साथ साथ ही उनकी डिफॉर्मिटी का भी बहुत रिस्क रहता है. डिफॉर्मिटी होती है कि यानी कि उनकी हड्डियाँ जो है वो कहीं इस शेप में ना आ जाए कि उनको फिर आगे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, डिफॉर्म हो जाए या वो फिजिकली डिसेबल हो जाए. तो इस चीज़ का भी बहुत डर रहता है उनके बचपन में या जब वो एक बेबी पैदा होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उनको जैसा हम बनाएंगे वो वैसे ही बन जाती हैं. इसलिए उनकी डिफॉर्मिटी का भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन गेट देयर मिल्क टीथ बाय द टाइम दे आर 2 ईयर्स ओल्ड. और ये देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो जब वो लगभग 2 साल के होते हैं उस टाइम पर उनके दूध के जो दांत हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. नियर द एंड ऑफ 5th ईयर द परमानेंट टीथ स्टार्ट्स टू अपीयर. और लगभग 5 साल की उम्र में जब एक बच्चा होता है उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि उसके जो दूध के दांत हैं वो धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पर उनके परमानेंट टीथ जो है वो भी आने शुरू हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. द विजडम टीथ डेवलप्स बिटवीन द एज ऑफ 17 to 25 ईयर्स. कि जो विजडम टीथ है ये जो है हमने जनरली देखा है कि 27 से 25 साल की उम्र में जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग में विजडम टीथ आना स्टार्ट हो जाता है या उस टाइम पे वो डेवलप हो जाता है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. इन द केस ऑफ विजडम टीथ
बॉयज शो अर्ली डेवलपमेंट दैन गर्ल्स। विजडम टीथ की अगर हम बात करें तो इसमें हमने जनरली देखा है कि जो बॉयज़ होते हैं उनको विजडम टीथ पहले डेवलप हो जाता है गर्ल्स की कंपैरिजन में। विजडम टीथ की अगर हम बात करें तो उसमें जो है बॉयज़ को विजडम टीथ पहले डेवलप होता है गर्ल्स की कंपैरिजन में। और स्टूडेंट्स, अभी पिछली स्लाइड में या पिछली से पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि प्यूबर्टी जो होती है वो गर्ल्स में पहले डेवलप होती है बॉयज से। सो दोनों में ध्यान देने वाली बात है और ये याद रखने वाली बात है, और बहुत बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं एग्ज़ाम्स में भी, तो इसमें ध्यान रखना है हमने कि प्यूबर्टी जो है वो गर्ल्स में पहले आती है बॉयज़ के कंपैरिजन में, और जो विजडम टीथ है वो बॉयज़ में पहले आता है गर्ल्स के कंपैरिजन में। ओके, सो हेंस वी कॉन्क्लूड। तो ये सब पढ़ने के बाद हमने क्या कॉन्क्लूजन निकाला है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज़ वेरी रैपिड फ्रॉम बर्थ टू टू ईयर्स, कि जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है बर्थ से लेकर, और दो साल की उम्र तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट, देन इट बिकम स्लो टिल एडोलेसेंस, और दो साल से लेकर और जब हमारी एडोलेसेंस स्टार्ट होती है उस टाइम तक का जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो है डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द फर्स्ट थ्री ईयर्स ऑफ एडोलेसेंस अगेन शो अ हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, और एडोलेसेंस जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद के अगर हम 3 से 4 साल देखते हैं उसमें फिर से डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, देन अगेन डेवलपमेंट स्लोस डाउन टिल मेच्योरिटी, और उसके बाद फिर से जो डेवलपमेंट है वो धीमी हो जाती है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है जब तक किसी भी इंसान में मेच्योरिटी नहीं आ जाती। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर था, और इस चैप्टर में से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में। सो जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो अभी हमने जो भी पढ़ा है उस पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द टाइप ऑफ डेवलपमेंट ब्रिंग्स बॉडीली एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज कॉल्ड। किस तरह की डेवलपमेंट में हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स के और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के जो चेंजेस आते हैं, इस टाइप की जो डेवलपमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं। ए मेंटल डेवलपमेंट, बी फिजिकल डेवलपमेंट, सी इमोशनल डेवलपमेंट, और डी लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है कि इसको हम बोलते हैं बी फिजिकल डेवलपमेंट। जब हमारे बॉडीली चेंजेस आते हैं, जब हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं बोथ इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जन्म से लेकर और हमारी मृत्यु तक, तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बतानी है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, एट बर्थ अ बेबी इज अबाउट 45 टू 47 सेंटीमीटर इन हाइट एंड वेज अराउंड 3 to 4 kgs, कि एक जब बेबी जन्म लेता है उस टाइम पे उसकी जो हाइट होती है वो लगभग 45 टू 47 सेंटीमीटर्स होती है, और उसका जो वेट होता है वो लगभग 3 से 4 किलो होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी इस बारे में पढ़ा है और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज, बाई द टाइम द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 4, हिज और हर ब्रेन अटेन्स 90% ऑफ इट्स टोटल वेट, ऑफ इट्स फाइनल वेट, सॉरी। सो सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब एक बच्चा 4 साल की उम्र तक आ जाता है उस टाइम पे जो उसका ब्रेन है वो लगभग 90% तक डेवलप हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था जब एक बच्चा 4 साल की उम्र में आ जाता है उस टाइम पे उसका ब्रेन लगभग 80% तक डेवलप हो जाता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, द हेड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट डैश द हाइट ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि जो हेड होता है वो लगभग कितना होता है उस बेबी के हाइट के जब एक बेबी पैदा होता है, यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो सर है वो उसके टोटल बॉडी के कितना पार्ट होता है। ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4, और डी 1/8। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो हेड होता है वो जन्म के टाइम पे पूरी बॉडी का 1/4 पार्ट
होता है, यानी कि हेड जो है वो एक चौथाई होता है टोटल हाइट के एक बच्चे की उसके जन्म के टाइम पे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1/4. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गेट देयर मिल्क टीथ बाय द टाइम दे आर डैश ईयर्स ओल्ड, कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको दूध के दांत किस उम्र तक आ जाते हैं. A1, B2, C4 या D5. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो जनरली हमने देखा है कि 2 साल के उम्र में एक बच्चे को जो है उसके दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से ट्रू है. फर्स्ट, डेवलपमेंट इज वेरी रैपिड फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, कि जो बर्थ से लेके जन्म से लेके 2 साल तक की उम्र का टाइम पीरियड है, इसमें जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से होती है. सेकंड, द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ एडोलेसेंस शो अ स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट, कि जो पहले 3 साल होते हैं एडोलेसेंस के उसमें जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है. सो स्टूडेंट, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने देखा था कि एडोलेसेंस के जो 3 साल होते हैं, एडोलेसेंस जब स्टार्ट होती है उसके लगभग 3 साल तक जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, only 1, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये चैप्टर, जिसमें कि हमने फिजिकल डेवलपमेंट को पूरा टोटली कवर कर लिया और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था वो भी हमने पूरा कवर कर लिया है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए. कोई भी डाउट या सजेशन है किसी भी पॉइंट में तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग.